वही सोलमेट वाली बात होती है कि जब आप किसी से मिलते हो एक कंफर्ट जरूरी है प्यार और ये इनिशियल एक्साइटमेंट ये सब चीज़ें तो आप हर रिलेशनशिप में होती हैं है। तो मुझे लगता है एक अंडरस्टैंडिंग और एक दूसरे के लिए रिस्पेक्ट वो बहुत जरूरी है आई रिस्पेक्ट हर अलॉट तब से अल। जब से मिली है नहीं नाव नहीं तब से ही नाव क्या मतलब वॉट यू मीन में नावी बिकॉज ये यही सब चीजें करती है ठीक है okay. तो, अगर आप इंटरव्यू कंटिन्यू करते रहोगे तो थोड़ी देर के बाद पता लगेगा ये उधर चली जाएगी मैं चला <laughs> तो क्लोजिंग नहीं हो पाएगी <laughs> नमस्कार आप सभी का स्वागत है और आज हमारे साथ हैं आप सभी की चहती डॉली सिंह यानी टीवी स्टार शीना बजाज बहुत बहुत स्वागत है आपका थैंक यू सो मच सबसे पहले ये जानना चाहेंगे क्योंकि सभी ये देख रहे हैं कि आपने नजरें उतारा और आपका एक वीडियो बहुत वायरल हुआ और वो क्यों हुआ वो आप ही बताइए क्यों मतलब मैंने तो अपनी पति की नज़र उतारी है एंड uh, uh, मतलब आई वॉज होपिंग फॉर द बेस्ट कि सब चीज़ें अच्छे से वर्कआउट हो जाए एंड ही वेंट टू मीट देम द प्रोड्यूसर्स दैट डे एंड ही वॉज लाइक ही सेंड मी अ पिक्चर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एंड अ पेन कुछ बोला नहीं तो जैसे ही वो घर आया तो मैं समझ गई ऑब्वियसली यू नो मुझे पता ही था सब चीज़ें अच्छी होगी सो आई वॉज वेरी कॉन्फिडेंट एक सेकंड के लिए भी मुझे ऐसा डाउट नहीं था मुझे फुल कॉन्फिडेंस है उसके टैलेंट पे उसके कैलिबर पे एंड uh, उसके पोटेंशियल पे दैट उसमें कोई दो राह है, है ही नहीं मुझे उसके बारे में कोई स्ट्रेस नहीं है सो वेन ही केम तो फिर मैंने आरती उतारी एंड नज़र उतारी एंड आई वॉज लाइक यू नो एंड ही टोल मी के मैं गाड़ी में था तो राजन जी ने मुझे मैसेज किया कि वाइफ uh, को बोलना कि नज़र उतारे और आई वॉज ऑलरेडी रेडी विद द थाली एंड देन ही सेंट हिम द वीडियो एज वेल सो ही वॉज लाइक सो स्वीट तो या

तो मैं गई एंड आई पुट इट ऑन स्पीकर एंड ही स्पोक टू दैट फ्रेंड ऑफ़ हिज एंड ही इज़ लाइक यू नो रवि एंड सरगुना कॉलिंग यू फॉर उड़ारिया एंड यू नो जो भी हीरो का वॉट एवर था सो दे आर कॉलिंग यू फॉर उड़ारिया इट्स ऑपोजिट नहमद ये वो एंड टुमोरो मॉर्निंग कल सुबह से शूट चालू है एंड ये शो में भी सेम हुआ एंड वो शो में भी सेम हुआ सो इट वॉज एग्जैक्टली द सेम सिचुएशन बस डिफरेंस ये था कि हाँ फिल्म सिटी में था वहाँ पर ये था मेरी सिचुएशन ये थी ही वॉज़ लाइक कि मैं अभी निकलूँ क्या एंड एक रात के अंदर आई वॉज़ लाइक कि मुझे लगा कि दस पंद्रह दिन के लिए बडेवर ही वॉज देयर फॉर ऑलमोस्ट सिक्स सेवन मंथ्स आई थिंक ऐसा ही कुछ था तो एक रात में जो सामान पैक हो सका मैंने पैक किया बड़े दिल पे पत्थर रख के और आई वॉज ऑल अलोन एंड मैंने बोला कि जाओ तुम तरक्की करो जो मैं चाहती हूँ नॉट टू यू नो स्टॉप योर सक्सेस सो मेरे को बहुत मुश्किल था मेरे लिए उस टाइम पे मैं एकदम अकेली हो जाती घर में बट आई सेट कि ठीक है यू नो यू गो एंड अचीव योर ड्रीम्स एंड मैंने बस बोला कि ठीक है चलो एंड आई प्रैक्टिस बैग एंड नेक्स्ट डे मॉर्निंग ही फ्लू और जब वो गया एंड आई स्टार्टड फीलिंग सो लोनली एंड एवरीथिंग एंड बट स्टिल आई मैनेज एनी हाउ बिकॉज आई डोंट कॉल ओ मैसेज और यू नो कहाँ हो किसके साथ हो क्या है क्या नहीं है आई एम नॉट देट काइंड ऑफ पर्सन तो मैं पूछती भी नहीं हूँ सो इट्स जस्ट लाइक कभी वो सामने से मैसेज करे कॉल करें पैकअप के टाइम पर क्योंकि मुझे लगता है कभी आप वॉर सिक्वेंसेज में होते हो कभी आप तलवारों के बीच में होते हो कभी आप घोड़े पर होते हो कभी कुछ कभी कुछ तो आई डोंट लाइक टू जहाँ मैं देखना चाहती हूँ रोहित को वहाँ वो पहुँचे उसके लिए मेरा टोटल योगदान है कि आई शुड नॉट इंटरफेयर इवन वन पर्सन एंड वो मैरिड होने का के रीज़न की वजह से कभी कोई ना सोचे क्या रेट जैसे कहा कि रातों रात सब कुछ होता है इनके लाइफ हमेशा होता है और हमेशा होता भी रहे हम यही चाहेंगे यही दुआ भी करेंगे yes, yes. Uh, जब ये चीजें हुई सब कुछ हुआ चूंकि इतना बड़ा कॉन्ट्रोवर्सी भी हुआ उसके पीछे you know, mm. uh, किसी को हटा के अचानक रिप्लेस करना जब ये पहला कॉल आया तो आप दोनों में पहली बात क्या हुई uh, कोई बात नहीं हुई He said के एम रिप्लेसिंग सेड कूल बिकॉज आई मीन मुझे मतलब वही है ना कि आई नो हिम एंड मैंने शादी इसलिए ही की क्योंकि आई नो हिज पोटेंशियल मुझे पता था वन डे ही विल बी अ टी वी स्टार टी वी स्टार नहीं फिल्म स्टार मैं चाहती हूँ वो बने इनफैक्ट आई डू यू नो आई वुड लव अगर भगवान वो मौका दे फॉर हिम टू ब फिल्म स्टार एंड माई सेल्फ टू अफकोर्स आई हैव द सेम ड्रीम सो माई सेल्फ विच आई हैव फोर हिम सो या सो मुझे फुल कॉन्फिडेंस था कि यू नो कुछ अच्छा ही होगा बट रिप्लेसिंग सम वन इज़ नॉट अ बिग डील बिकॉज वो बहुत ही मंझा हुआ एक्टर है तो उसके लिए किसी को रिप्लेस करना एंड द चैलेंज वॉज नॉट रिप्लेसिंग अ गाय

बंदा जो इंडस्ट्री में बहुत टाइम से है और बहुत ही समझदार मेच्योर और प्रोफेशनल आदमी है तो उसको लेने से पहले कोई दो बार सोचता भी नहीं है एक प्रोड्यूसर को फ़ोन लगाना होता है कि भाई ये कैसा है दिल से दिल टेल टेन पीपल विल हैव कॉल्ड एंड सेट दैट ही इज़ रियली गुड द बेस्ट डिसीजन एवर सो दैट इज़ द थिंग दैट प्रोफेशनलिज्म प्रोफेशनलिज्मूइंग योर जॉब डैट्स वॉट योर पेड फॉर राइट एंड बींग देयर ऑलवेज इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग and giving your 100% to the show so and i think he is the kind of person who gives this 100% to anything he does so is reason se i think uh, replacement of anyone it doesn't matter he is himself he is Arman bodhar and for me that's all that matters like you know yeah. whatever theek hai aapko kaise lagi abira aur armaan ki jodi you know अभी बहुत अच्छा रिस्पांस भी मिल रहा है तो oh. पर्सनली आपसे जानना जरूरी है कि आपको पर्सनल कैसा लगा मैं तो खुद सीन्स देख के आई फील सो नाइस दैट ही हैज़ सच अ वंडरफुल केमिस्ट्री मुझे एक्चुअली इनिशियली थोड़ा लग रहा था कि इतने इंटरमेट सीन्स और हगिंग ये वो 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 इतनी सारी चीज़ें ऑन स्क्रीन दोनों सी दो लोगों के लिए आप कितने भी एक्सपीरियंस्ड हो बट पहली बार एक दूसरे के ऑपोजिट सामने आ, सीन्स करना और ये सब थोड़ा मुश्किल और ऑकवर्ड और अनकम्फर्टेबल होता ही है आप कितने भी अच्छे होने दो बट वो होता ही है बट उसके साथ मैं बस सच बताऊं तो मैं बस प्रेयर्स ही कर रही थी कि इतनी अच्छी केमिस्ट्री हो कि के लोग सीटियाँ मारें और इतना अच्छा रिस्पांस मिले उसको कि खुले दिल से लोग उसको वेलकम करें बिकॉज uh, कहीं ना कहीं वो रिप्लेसमेंट का टैग वो थोड़ा सा uh, दूसरों के माइंड में होता है हम कंपेयर तो क्या ही होगा बट ठीक uh, है बट एक होता है कि ना uh, लोग सोचते हैं कि ही इज रिप्लेसिंग दिस पर्सन लुक एट हिम एज अ न्यू इंडिविजुअल ऑल टुगेदर यू नो इट डजेंट मैटर बट देन आई वॉज वेरी वरेट फॉर देअर केमिस्ट्री क्योंकि मुझे इतना स्ट्रेस हो रहा था कि यार मतलब पहली बार भी इतनी डांस सीक्वेंस ये वो प्रमोशनल सॉन्ग्स ये वो सवेज स्प्रिंग सब चीज़ें चीज़ अच्छी हो बहुत अच्छी केमिस्ट्री आए बहुत ही कंफर्टेबल लगे एक दूसरे के साथ जैसे सालों से जानते हैं एंड फॉर्चुनेटली यही हुआ जो मैं चाहती थी कि दे लुक ग्रेट टुगेदर दे आर लुकिंग वंडरफुल दे आर नेलिंग देयर सीन्स और इतनी क्यूट केमिस्ट्री लग रहे हैं दोनों की लड़ाई वाली और वो हमारी है भी आ, मेरी और रोहित की वो ही नोकझोंक ही रहती है तो वो केमिस्ट्री कहीं ना कहीं वहाँ वो हो रहा है कि चुप बैठना चुप बैठना वैसा वाला एंड मेरा और उसका भी यही रहता है सो ही इज जस्ट डूइंग द सेम थिंग रिवर्स में वहाँ पे सो इट्स लुकिंग वेरी क्यूट एंड वेरी वेरी नाइस और मैं बहुत ही खुश हूँ एम वेरी वेरी हैप्पी फॉर हिम और रोहित को दो दो जगह प्यार दिखाना है हाँ, तो you know, हमेशा दो तीन लड़कियों को संभालता है एक साथ शो में हमेशा लास्ट शो भी अगर आप देखोगे तो उसमें भी उसकी दो ही वाइफ थी मतलब एक गर्लफ्रेंड एक वाइफ ऐसा तो ही मैनेजेस वेल आई थिंक सो या पर्दे पर आप रोहित को रोमांस जब करते देखती हैं हुँ. तो आपको भी कुछ लगता है नहीं मुझे कुछ नहीं लगता दिस इज आवर जॉब हमने प्रोड्यूसर पैसा दे रहा अपना काम करने के लिए और अगर हम काम ईमानदारी से नहीं कर सकते देन वी आर यूज़लेस एक्टर्स एंड आई थिंक कि अगर आप ईमानदारी से परफॉर्म कर रहे हो जब तक आप वो घर नहीं लेके आ रहे हो जब तक आपका कोई चक्कर नहीं चल रहा तब तक आई डोंट थिंक आई शुड गिव अ डैम है ना और uh, मैं उसको जानती हूं आई मीन आई नो हिम सिंस 2000 फोर्टीन एंड नो टू थाउजेंड एटीन सो तब से लेके अब तक ऐसा कुछ तो मैंने कभी सुना नहीं है बट फोर्टीन हाँ ही इज जस्ट कम फ्रॉम शूट एंड

नो इट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ हर मैंने uh, और भी जगह पे ये बात बोली कि शी इज़ एक्सट्रीमली सपोर्टिव और इनफैक्ट uh, पुराने शोज़ में ऐसा भी हुआ है कि जहाँ पर हीरो और हीरोइन का सेपरेशन हो रहा है तो शी यूज़ टू सेंड मी द वीडियोज़ क्राइंग कि हीरो हीरोइन सेपरेट हो रहे हैं तो शी इज़ शी इज़ बीन वेरी सपोर्टिव सिंस थ्रू आउट आर यू नो कोटश कोर्टशिप जितने भी दस साल हमको उस में हो गए एंड शी इज़ एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली सपोर्टिव वाइफ और मोर देन अाइफ़ शी इज़ माई बेस्ट फ्रेंड तो अगर मैं कुछ भी अच्छा काम करता हूँ तो शी यू you नो know, सबसे पहली फैन गर्ल यही होती है क्रिटिक तो मतलब अगर मैंने एक एक्सप्रेशन एक मेरा लुक भी अगर मैंने गलत दिया और मैं इसके साथ एपिसोड देख रहा होता हूं तो मुझे लगता है कभी कभी कि शायद मैं बच जाऊं अब तो मुझे पता होता है कि मैं नहीं बचने वाला हूं अगर मेरा एक एक्सप्रेशन भी गलत है सो शी इज़ द बिगेस्ट क्रिटिक एंड द बिगेस्ट फैन तो अभी तक अरमान के लिए आपने क्या 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 नसीहत दी Uh, नसीहत तो मैंने कुछ दी नहीं मैंने बस uh, उसको मतलब कुछ नहीं एक्चुअली अरमान के लिए आई जस्ट टोल्ड हिम दैट रोहित डोंट बी योर सेल्फ क्योंकि अरमान इज नॉट लाइक रोहित एट ऑल वो बहुत ही ज़्यादा वाइब्रेंट बबली लाउड एक्सट्रोवर्ट no, uh, no, 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 और, और समझदार भी है समझदार no, 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 भी, about, all, means, भी है स्वीट भी है सी देखो वो कैरेक्टर तो प्रोड्यूसर और राइटर्स लिखते हैं और आपको वो परफॉर्म करना होता है वी आर एक्टर्स तो हमारा काम तो परफॉर्म करना है बट वहाँ पर टीम भी बहुत अच्छी है और बस शीना ने ये बुला है कि वो आ, यू you नो know, अभी क्या होता है ना क्योंकि आप जब डेली सोप करते हो और सेवन डेज अ वीक है तो आपको सोना वोना अभी मेरे, मेरा दो तीन चार घंटे की नींद अभी मैं फिलहाल पूरी कर पा रहा हूँ जस्ट दैट कीप योर एनर्जी लेवल्स आए क्योंकि जब आप काम करते हो रेगुलरली तो ऑब्वियसली आपको नींद आती है आप थकते हो आपको नींद बुरी नहीं होती तो इसका सजेशन सिर्फ ये होता है जस्ट कीप योर एनर्जी लेवल्स आए और जो ऑफ uh, स्क्रीन जो प्रॉब्लम्स हैं स्लीप की और ये सब वो सब ऑन स्क्रीन दिखनी नहीं चाहिए बी वेरी नेचुरल जो मुझे अरमान में दिख रहा है मतलब इफ़ आई टॉक अबाउट अरमान एंड आई थिंक ही इज़ नॉट सिटिंग हियर सो आई थिंक आई एम फॉलोइंग इन लव विद अरमान एज अ ऑडियंस यू नो सच अ मेच्योर टेकिंग अ स्टैंड फॉर हिज वाइफ स्टैंडिंग विद हिज फैमिली नॉट कॉम्प्रोमाइजिंग हिज वैल्यूज द पर्सन विद मॉरल द पर्सन विद अ वेरी हाई सेल्फ एस्टीम बट ऑल्सो झुकता है तो तो you know? And... तो <laughs> <laughs> तो अरमान दिखते मतलब जब आपने अरमान के रूप में देखा तो आपको लगा नहीं ये तो सच में रोहित ऐसा ही है कभी लगा आपको हाँ बोलो Of course. हाँ. <laughs> so नहीं, वो stand, जब बहुत ही मैं बहुत मेजर लेवल पे फंसती हूँ ना कहीं पे तभी रोहित स्टैंड ही टेक्स अ स्टैंड जब बहुत जरूरी है मतलब आर्य पार सिचुएशन पे ही टेक्सैंड फॉर मी अदरवाइज ही इज नॉट इज लाइक तू खुद शेर है लड़ भिड़ तो ऐसा है उसका ऐसा थोड़ा एक्चुअली होना चाहिए अगर मैं इसकी लाइफ में थोड़ी ओवर पावर कर सकता हूँ सिचुएशंस आती है हमको खुद हैंडल करनी पड़ती हैं तो छोटी मोटी चीज़ों में अगर हम एक दूसरे की घुसने लग गए तो वो वो उतना कंफर्टेबल नहीं होता है चीज़ों को हैंडल करने में अगर मैं सिर्फ वो वो करूँ जो मुझे शिगना करने के लिए कह रही है तो कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में आएगा कि यार मैं अपने हिसाब से कुछ नहीं कर पा रहा हूँ तो आई थिंक वी बोथ गिव बीच अदर इनफ स्पेस की आप अपनी लाइफ को अपने हिसाब से हैंडल करो येस ऑब्वियसली देर फॉर इच अदर और कोई ऐसी जगह पर हम फंसते हैं जहाँ पर एक दूसरे के सपोर्ट की जरूरत है तो ऑब्वियसली भी देर अदरवाइज अपनी अपनी लाइफ है और अपनी अपनी तरह से उसको हैंडल करो <laughs> लगने <laughs> <because> <laughs> <मैंने मिला laughs> तो मेरा यही सवाल था कि जैसे इन्होंने कहा कि मतलब हमारी इनसे बात हुई जब रोहित से बात हुई रोहित ने ये बोला था कि हमारा सेट पर अफेयर हुआ था और यू नो सब कुछ हुआ था अभी तो आप भूल भी गई थी कि कब हम लोग पहली बार आप थोड़ा, तो याद याद थोड़ा सा भूल मैं भी के आई थी ना तो इसलिए चलो ठीक है थोड़ा आपको याद दिलाना चाहते उस दिन में कैसे हुआ था कब हुआ था और किसने प्रपोज किया था वो एक्चुअली अफेयर तो नहीं था आई थिंक दैट हम बहुत टाइम तो तक फ्रेंड्स थे तो या yeah. yeah. ऐसा था एक्चुअली कि हम बहुत टाइम तक हमने वो शो साथ में किया और ये तो बोल रही है लेट मी टेल यू जब मैं शीना से मिला तो फर्स्ट टाइम जब शीना ने मेरे को देखा था तो नेक्स्ट डे शी गॉट फूड फॉर मी घर से वो मैं सबके लिए लाती हूँ सबके लिए लाती होगी आई एम श्योर लेकिन मेरे लिए लेकर आई तो मुझे बड़ा अच्छा लगा एंड शी वॉज़ वेरी यंग शी वॉज अराउंड नाइनटीन एंड मैं उससे ऑब्वियसली पाँच साल बड़ा हूँ hmm. तो मुझे uh, उसके बाद इसकी फैमिली सेट पर आई थी जस्ट ऐसे ही विजिट करने के लिए तो मुझे लगा शी इज़ वेरी होमली गर्ल दिखने में बहुत ही लाउड है और बहुत बबली है बट अंदर से शी इज़ वेरी होमली और बिल्कुल बिल्कुल भी वैसी नहीं है कि यू uh, नो you know, जो बिकॉज वो बचपन से फैमिली के साथ में ही रहे तो शी इज़ वेरी होमली एंड फैमिली गर्ल तो मुझे सिर्फ ये लग रहा था कि यार ये शो आ, मैंने शीना को बोला भी था कि यार ऐसा होता बिकॉज मैं पास्ट में मेरे कुछ एक्सपीरियंस ऐसे रह चुके थे कि जब आप साथ में काम करते हो गेट अलॉन्ग वेरी वेल एंड देन शो ओवर होता है एंड देन फिर आपकी लाइफ इतनी और अगर आप कोई और दूसरे डिफरेंट डिफरेंट शोज करने लग जाओ देन दैट बिकम्स योर लाइफ तो फिर मिलना जुलना मुश्किल होता है तो मुझे लगा यार छोटी है अभी और इसको मैं पहले क्लियर कर दूं कि ये यू डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग बियॉन्ड बियड दिस शो बिकॉज हो सकता है कि हम लोग अलग अलग शो कर रहे हो नहीं मिल पाए एंड एक टाइम और इतने कम टाइम में क्योंकि हमको पता लग गया था कि शो ऑफ एयर होने वाला तो इतने कम टाइम में आप अगर बहुत क्लोज हो जाओ एंड देन फिर आपको अपार्ट होना पड़े तो इट्स हार्ट ब्रेकिंग yeah. तो मैंने शीना को ये बातें पहले ही बता दी थी और मैंने बोल और क्योंकि मैं अपने आप को भी जानता था कि मैं शायद उतना डेडिकेशन uh, नहीं दे पाऊंगा कि ओके आई विल मेक श्योर दैट आई विल मीट यू और मैं दूसरा भी काम कराऊंगा बट शी बींग हर और शी मेड श्योर कि जब हमारा शो खत्म हुआ शी मेड श्योर दैट यू नो वी मीट ऑफन एंड ऐसे इसने इतने एफर्ट्स लिए इतना दूर ड्राइव करके मुझसे मिलने के लिए आती थी और फिर uh, धीरे धीरे करके मेरी फैमिली से भी मिली दूसरी चीज जब हम लोग साथ में शो में थे शी गॉट हर फैमिली हर दादी हर मॉम डैड जस्ट टू शो दैम क्योंकि दिस इज द गाय आई एम फॉलोइंग फॉर यू जस्ट सी एंड टेल मी की इज इट अ नाइस गाय दे केम ऑन द सेट और आई वॉज वंडरिंग कि दादी मम्मी पापा ये सब लोग क्यों आए भाई सेट पर सब देखने, पर देखने के लिए आ देखने के लिए या? यार हाँ। तो आ, मैंने बोला मुझे, मुझे लड़का पसंद है आप देख लो सही लगे या क्या है मतलब बता दो क्लियरली कि ठीक ठाक है या फैमिली डिसीजन हाँ। मतलब देख लो ऐसी बॉयफ्रेंड टाइप्स के लिए देख लो एक बार

सब हो गए सब इम्प्रेस हो गए जो कि मैं चाह नहीं रहा था कि इम्प्रेस करने के लिए उनको <laughs> नहीं मैं <laughs> उनको इम्प्रेस करने के लिए नहीं कर रहा था बट uh, दिल से, दिल से कर रहा से था और उनको वो अच्छा लगा एंड

डायलॉग हाँ, तो, 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 तो नहीं देखा तो इसके इसकी बोलती है कि तू जितना शूट कर रही है, उतना में तो आ नहीं रहा है <laughs> नहीं ना, दिस so, ये सब होती थी, आज then, तक वो हमें आज हैं आज तक इसके डैडी बातें बिल्डिंग ऐसा भी नहीं दूर गई घूमने गए बिल्डिंग के बिल्कुल नीचे गाड़ी लगा के हम लोग बातें कर रहे होते और कितनी बार तो पापा को पता है तो ऊपर से देख भी रहे होते होंगे कि गाड़ी में बैठे हैं बातें कर कहते है ना जब किसी के साथ सोल मैच होता है तभी आपका लाइव पार्टनर बनता है क्या कुछ एक दूसरे को देखने के बाद पहला क्या लगा क्या हमारा बिल्कुल मैच नहीं है क्योंकि हम दोनों बिल्कुल अभी तक भी है और मुझे लगता है कि और मुझे लगता है कि वही हम दोनों के रिलेशनशिप का एक है ना प्लस पॉइंट है कि हम दोनों बिल्कुल एक जैसे नहीं है बिल्कुल हम दोनों भी नहीं। बिल्कुल अलग हैं कुछ चीज़ें हैं जिंदगी में ये मुझे सिखाती है और मैंने इतने सालों में इससे सीखा बहुत कुछ सीखा है और कितनी सारी चीज़ें एम श्योर ऐसी होंगी जो शायद मैं भी इसको बता पाता हूँ नहीं तो ये बोल रही है <laughs> बट आई कैन सी द चेंजेस जब शीना से मिला था और अब तक तो यही सब चीज़ें हैं एक वही सोलमेट वाली बात होती है कि जब आप किसी से मिलते हो एक कम्फर्ट ज़रूरी है प्यार और ये इनिशियल एक्साइटमेंट ये सब चीज़ें तो आप हर रिलेशनशिप में होती हैं जब भी आप किसी से मिलते हो पर मुझे लगता है एक अंडरस्टैंडिंग और एक दूसरे के लिए रिस्पेक्ट वो बहुत ज़रूरी है

हमारी नोकझोंक पर वैसे नहीं होती कभी भी मतलब कोई लड़ाई नहीं होती हमारी मैं कभी गुस्सा नहीं करती कभी मतलब गुस्सा होती भी नहीं हूँ लोगों को लगता होगा लोगों को लगता होगा बिकॉज ये है और ये गुस्सा ये बिल्कुल गुस्सा नहीं करती अभी आपको भी, भी लग रहा था। ये सिर्फ गुस्सा दिलाती है ये गुस्सा कभी करती नहीं गुस्सा सामने वाले को करना पड़ता है अभी आपको भी दिला रही थी <laughs> हाँ दिला रही थी तो लेकिन अब तो मुझे आदत पड़ गई है कि यार गुस्सा नहीं होना कंट्रोल उधर अंदर है कंट्रोल <laughs> पर लेकिन इतने साल हो गए ना दैट जब मैं बहुत ही एक्चुअली आई आई वाज वाज वेरी वेरी हॉट ब्लडेड व्हेन लाउड एंड मतलब वेरी अग्रेसिव ऑल्सो थोड़ी बहुत मतलब अपने अप्रोच को लाइफ में लेके चीजें अभी तो मैं बहुत ही मच्योर कंपोज डोसाइल और ठंडी <laughs> मतलब ऐसा थोड़ा हो गया है मेरा यू नो टाइम के साथ बट लाइफ भी आपको सिखाती है ना हाँ, आप... हाँ. तो continuous उस टाइम पे रोहित ने मुझे जो? बहुत मतलब मेरी बहुत सारी चीजों को मेरी इमेच्योरिटीज को इमेच्योरिटी की तरह ही ट्रीट किया क्योंकि अब 17, 18, 19 तो यू you नो know, तो उस टाइम पे बहुत सारे मतलब कोई अगर और होता तो शायद वो मतलब ब्रेकअप करता या वट एवर बट ही हैंडल्ड द टीन वाला भी टाइम एंड देन सारे फेजेज और अब तक तो तुम्हारी किस्मत चल रही है बढ़िया <laughs> मतलब चलता ही रहता है हाँ, वही वही जैसे कहा कि अब

ऑफ बींग विद मी और नॉट बींग विद मी बट आई नो दिस दैट आई जेन्यूनली लाइक यू एंड दैट्स अबाउट इट फिर उसका फिर थोड़े दिनों बाद हफ्तों बाद, थोड़े बाद तो उसका खुद का डिसीजन चेंज हो गया बट मेरा ये था कि मैं बहुत क्लियर कट हूं हां तो हां ना तो ना mm -hmm. तो मेरा ये था कि आई लाइक यू एंड आई विल हैव दिस लाइकिंग फॉर यू इवन अगर लंबा टाइम होता है नहीं होता है जो भी है मतलब आई जिस लाइक यू दैट्स इट और कुछ आई लव यू वर यू नहीं बट आई लाइक यू सो तुम देख लो बाकी का नहीं कुछ चीज़ें एक्चुअली बोलने की जरूरत नहीं होती है आपको आपको पता चल जाता है एक साथ में कि आप साथ में कंफर्टेबल है या नहीं और हमारा जो रिलेशनशिप का जो बेस है वो आज तक भी एक दोस्ती है जहाँ पर मैं इसको कुछ भी बोलने से पहले ये नहीं सोचता हूँ कि यार ये बुरा मान जाएगी या ये कुछ भी मुझे बोलने से पहले ये नहीं सोचती बुरा मान जाएंगे ठीक है हो सकता है कि कभी इंसान को गुस्सा आता है कोई आप बोल देते हो बट सामने वाला इतना अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए कि ओके दैट वाज इन द हीट ऑफ द मोमेंट सब गलतियाँ करते हैं लाइफ के अंदर सब लोग गलतियों से सीखते हैं, तो आपको एक ऐसा पार्टनर चाहिए होता है जो आपको आपकी गलतियों को भी एक्सेप्ट करे आपकी अच्छाइयों को भी करे सारी चीज़ों को करे तो मुझे लगता है मेरे और शीना के बीच में ये कम्पेटेबिलिटी है जहाँ पर हम दोनों एक दूसरे को फ्रीडम दे, देते हैं टू बी दम तो यही शायद आई थिंक uh, एक रक्स हो सकता है एक एक हैप्पी मैरिड लाइफ का का रिलेशनशिप मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट यही था कि मुझे नहीं लगता था कि कभी मेरी लाइफ में शादी होगी और ऐसा क्यों क्यों कोई क्योंकि मैं <laughs> uh, जितनी स्ट्रोंग हेडेड ओपिनियन और पावरफुल हूँ इन द सेंस लाइक कीपिंग माई ओपिनियन पुटिंग माई फुट डाउन एंड टेकिंग अ डिसीजन सो मुझे ऐसा लगता था कि कोई भी आदमी हु स्पाइन इज वीक वोट बी एबल टू हैंडल सच अ स्ट्रांग वुमेन लाइक मी बिकॉज मैंने जिंदगी में जो भी किया बचपन से लेके आज तक अपने फैमिली के लिए सबके लिए जिस फैमिली के लिए ही बोलूंगी जितना भी मैंने किया उसका सिंगल हैंडेडली मैं क्रेडिट लेती हूँ कि आई हैव डन एवरीथिंग फॉर देम एंड माई सेल्फ सो जब आपने ग्राउंड जीरो से शुरुआत की होती है ना बचपन से तो आपको कोई भी फेम पॉपुलरिटी या कोई भी चीज़ या ओवरनाइट uh, चीज़ें या कोई बड़ी चीज़ आपको वीक uh, नहीं कर सकती आपको फेम सर पे नहीं चढ़ सकता क्योंकि आपने हर जिंदगी का पहलू देखा है आपको एग्जैक्टली exactly, तो आपको वो कभी भी क्रेज uh, किसी भी चीज़ का नहीं हो सकता तो मुझे रोहित के साथ ऐसे ही लगता था कि यू you नो know, मतलब रोहित के साथ तो नहीं मुझे तो मेरे डैड बोलते थे कि ना ऐसा कोई सवा से, शेर है ही नहीं जो तुझे कंट्रोल कर सके तो मैं उन्हें बोलती थी कि ऐसा कंट्रोलिंग बंदा तो मुझे चाहिए ही नहीं जो मुझे मैं ना रहने दे वो बंदा तो यूजलेस हुआ अगर मैं मैं नहीं रह सकती उसके साथ तो क्या पॉइंट है उसके साथ रहने का उससे बेटर है तो मैं किसी के साथ ना रहूं तो देन ही यूज टू से नो यू विल फाइंड अ रिंग मास्टर

आपको अगर लाइफ में कोई प्रॉब्लम है आपको कोई चीज़ पूछनी है तो आप मैं सिर्फ अपना सजेशन दे सकता हूँ अदरवाइज डिसीजन सारे शीना के होते हैं तो सिर्फ मेरा इतना ही काम होता है अगर अभी वो चीज़ उसको समझ में आती है और वो उस चीज़ को आ, समझ के वैसा करती है तो हो सकता है इसके लिए अच्छा होता होगा इसलिए धीरे धीरे शायद थोड़ा ये और समझदार हो गई है हमने इससे पहले पूछा कि रोहित के अंदर आपको अरमान की झलक दिखती है आपको अबीरा की झलक दिखती है कभी कभी हंड्रेड परसेंट हंड्रेड परसेंट जितनी वो अबीरा का कैरेक्टर बबली है और फैमिली के अंदर अपना ओपिनियन रखने वाली बात होती है शीना भी एग्जैक्टली exactly सेम है इनफैक्ट अबीरा ने ख़ुद मुझे बोला था एक सीन था जहाँ पे अबीरा चुप थी और मैं अभी वो शायद टेलीकास्ट आज ही हो गया शायद टेलीकास्ट हो तो जहाँ पर ऐसा था कि वो चुप है और सिचुएशन बिल्कुल उल्टी हो गई और अरमान को लग रहा है कि आज ये कुछ बोल क्यों नहीं रही है आज हो क्या गया इसको सो शी टोल्ड मी कि जस्ट इमेजिन दैट यू नो इट्स लाइक आई एम शीना मतलब जो उसके साथ में होता होगा बिकॉज आई वॉज लिटिल हेजिटेंट क्योंकि वो पहली बार ऐसा सीन हुआ था जहाँ पे वो नहीं बोल रही तो मुझे फ़र्क पड़ रहा है तो उसने बोला था कि जस्ट ओपन अप लिटिल बिट तो ताकि वो सीन और अच्छे से होगा इमेजिन करो इट्स लाइक शीना ओनली कि अगर वो चुप है हाउ विल यू डू द सीन और हाउ विल यू रिएक्ट इन लाइफ तो बहुत झलक है क्योंकि ओपिनियन वाली बात है या गुफ करने वाली बात है तो उसमें भी ये शीना मास्टर है और मैं कहीं ना कहीं वहाँ पर भी वही किरदार निभा रहा हूँ और रियल लाइफ में भी वही हाँ। संभालने वाला अंडरस्टैंड करने वाला सपोर्ट करने वाला चलिए संभालने से बात है चूंकि इतना लंबा समय हो चुका है शादी को कभी फैमिली प्लान के बारे में बात नहीं होती आपको फैमिली प्लानिंग के <laughs> बारे में तो बहुत लंबा मुद्दा है फैमिली प्लानिंग के बारे में बात होती है बट हम चाहते हैं कि थोड़ा सा करियर में लाइफ में थोड़ा सा और आगे जाए थोड़ा सेटल हो जाए क्योंकि फैमिली सिर्फ बनाने के लिए ऑब्वियसली फैमिली वाले हमारे जो हैं वो एक्सपेक्ट करते हैं बोलते हैं जो कि एक हर फैमिली के अंदर होता है एक प्रेशर होता है एक एक्सपेक्टेशन होती है नहीं दोनों ऑब्वियसली बच्चा अकेले लड़की का तो होगा नहीं ना तो एक्सपेक्टेशन होता है फैमिली uh, का कि एक्सपेक्टेशन होती है सारी चीजें होती है बट वो अल्टीमेटली डिसीजन जो है वो uh, एक कपल का ही होता है वो एक कपल का किसके हाथ में हाँ ब्लैक स्पॉट नहीं एक कपल का डिसीजन होता है और अब धीरे धीरे ऐसा मुझे लगता था कि सिर्फ एक कपल का होता है बट एक टाइम आता है जहाँ पे जब आपको मदर बनना है वो एक डिसीजन एक लड़की का होना चाहिए कि कब वो स्पेशली वेन यू वर्किंग और तो ये शीना का डिसीजन है और uh, जब भी हमको राइट right टाइम uh, लगेगा कि हम दोनों फ्री हैं या फिर अब लाइफ में वो स्टेज पे आ गए जहाँ पे वी नीड समवन एल्स इन आर लाइफ देन विल प्लान दैट फाइव लेटर अच्छा अभी साल पांग साल है कि... नहीं नहीं कैन डिसाइड वो तो हमने शादी के लिए भी नहीं सोचा था ना वो तो हमने शादी शीना ने डिसाइड करके रखा था टाइम टू कंट्रोल काम को लेकर yeah. uh, नहीं भाई बहुत अचीव करना है लाइफ में बहुत चीजें मुझे अचीव करनी है अब तो मैं अब बोलना नहीं चाहती फ्यूचर आई वॉन्ट टू से वॉट डू आई हैिव माई चाइल्ड देर शुड बी समथिंग इट्स नॉट इन टर्म्स ऑफ मनी और वट एवर वो खुदा यू uh, नो you know, चप्पल घिसाओ और काम करो और खुद कमाओ और खुद बट एक इनिशियल स्टेज पर आई वॉन्ट टू गिव माई चाइल्ड एवरी थिंग एंड ऐसा होता है एंड यू नो यू नो दैट आपने कैसे लाइफ में यू you नो know, आपकी लाइफ कैसी रही है सो यू वॉन्ट टू एटलीस्ट स्टैब्लिश सो मच दैट यू नो यू कैन प्रोवाइड वो होना ना होना देखो भगवान के हाथ में ऐसा हो सकता है कि छः महीने बाद में बोलूँ कि ओके नाउ आई वॉन्ट टू बदर अलॉन्ग विथ दैट आई वॉन्ट टू अचीव थिंग्स और हो सकता है कि मैं बोलूँ कि नो आई डोंट वॉन्ट टू ब मदर राइट नाउ गिव मी

हो जाता है मैनेज अभी जैसे मैं जब लास्ट शो कर रहा था उसके पहले मैं आ, एक शो के लिए वहाँ गया हुआ था पंजाब था तो शी वॉज उडारिया के लिए तब शी ये घर पे अकेली थी एंड वो ऐसा टाइम था एक साल का फेस ऐसा था कि आई वॉज कंटिन्यूअसली वर्किंग एंड शी वॉज एट होम तो आपको लगने लगता है कि यार सिर्फ काम ही आपकी लाइफ नहीं है आपकी आपके घर वाले आपका प्यार आपकी वाइफ आपकी फैमिली भी आपके लिए इंपॉर्टेंट होती है लाइफ में तो गौना के बाद आई डिसाइडेड टू टेक अ ब्रेक और उसके बाद शीना जब मैं गौना जब मेरा खत चल रहा था तब शीना का वंशज स्टार्ट हो गया ऑलमोस्ट सिमिलर टाइम पर ही तो जब मैंने गौना खत्म किया देन आई डिसाइडेड कि मेरे को कुछ टाइम का ब्रेक चाहिए देन आई वेंट टू उमर का एंड आई आई वॉज देयर ऑन एंड ऑफ फॉर थ्री मंथ्स एंड मैंने अपने बाल बाल भी लंबे इसलिए करके रखे थे बिकॉज आई वॉन्टेड टू टेक अ प्रॉपर ब्रेक एंड देन अगेन स्टार्ट वर्किंग एंड आई वॉन्टेड टू बी विद हर बट इतना जब बड़ा शो आता है एंड देन आई स्पोक टू हर एंड शी वॉज वेरी एक्साइटेड एंड शी शीड टू टेक इट

शूटिंग ऑल्सो बिकॉज आई कैन मल्टी टास्क वेरी वेल एंड रोहित का सिर्फ ये आई एम समन जो कोई भी एक चीज करता हूँ तो मैं पूरा मेरा फोकस उसमें होता है आई कैन डू मल्टी टास्किंग मैं ये भी कर रहा हूँ 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 और आई थिंक इसमें वो एफिशियंसी और वो कैलेबर है जहाँ ये मल्टीपल चीज़ें एक साथ कर सकती हैं सो हैथ सॉफ्टवेयर और जिस तरह से ये Uh, ना सिर्फ काम को और ना सिर्फ घर को मैनेज करे जिस तरह से दोनों फैमिलीज को भी शीना ने मैनेज किया है जो कि मेरे को uh, जब शुरू में जब मैं इससे मिला था तो मुझे लगता था कि कैसे मैनेज होगा बिकॉज वी बोथ कम फ्रॉम ए वेरी डिफरेंट कल्चर एंड दिस थिंग तो बट द वे शी मैनेज माई फैमिली एंड हर फैमिली एंड दोनों के बीच में जो एक ब्रिज वाला जो काम होता है जो एक लड़के का भी होता है बट वो एक लड़की का भी होता है एंड आई थिंक शी इज़ मैनेजिंग इट सो वेल क्या तारीफ तारीफ <laughs> 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 ऐसी <होते> है <laughs> आपका मतलब कैसे लग रही है सोने से पहले के होते हैं वो मेरे अप्रीसी में जाने चाहिए सो देट मे को नींद आ जाए अब तो मेरे को पता लग गया पहले से ही जब मुझे आधे घंटे में सोना है तो मैं दस मिनट इसके बिना पूछे गुड मूड शी विलेट मी स्ली और अगर नहीं हुआ तो फिर मेरे को सुबह चार बज जाएंगे कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ, ना कुछ, ना कुछ, ना कुछ, ना कुछ ना बात करती रहेगी तो पहले आते ही सबसे पहले तारीफ़ कर दो ये मैं आपको सबको जितने भी मैरिड लोग हैं उनको सबको बताना चाहूंगा आते ही घर में घुसती वाइफ की इतनी तारीफ करो इतनी तारीफ करो कि वो खुश हो जाए खुद भी सो पाए और आपको भी सोने दे सो <laughs> फाइनली okay. so, क्या कहना चाहेंगे अपने फैन से अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है और लोग बड़ी तारीफ भी कर रहे हैं क्या कहेंगे आई एम वेरी ग्रेटफुल कि लोग तारीफ कर रहे हैं और अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है एंड आई been very वेरी लकीी कि मैंने जितना भी काम किया है और जब जब भी किया है लोगों ने मुझे बहुत ही खुले दिल से प्यार किया है सराहा है काम को कुछ काम ऐसे रहे जो बहुत लोगों तक पहुंच नहीं पाए काम बहुत अच्छे थे और ये एक ऐसा शो है जहां पर मुझे हर दिन जब मैं हर शॉट देता हूं उसके पहले मुझे, मुझे मालूम होता है कि इस शो की रीच बहुत ज़्यादा है इस शो से बहुत लोग जुड़े हुए हैं बहुत लोग प्यार करते हैं सो so, हर शॉट से पहले मैं अगर सच बोलूँ तो मेरे दिमाग में ये चीज़ होती है दैट यू नो आई एम आई एम वेरी फॉर्चुनेट एंड लकी टू बी ऑन दिस सेट एंड टू बी एबल टू वर्क अराउंड सच लवली पीपल सच प्रोफेशनल पीपल एंड आई एम नॉट एफिशेंट ऑब्वियसली एंड आई एम नॉट जस्ट सेग इट बिकॉज आई एम डूइंग डी के पी शो राजन सर ने जितना मुझे चीज़ें बोली थी और प्रोमिस किया था कि मैं इतना सब कुछ शो में करने वाला हूँ और मैं किस तरह से शो करता हूँ और जितना मैंने डायरेक्टर्स कर का राजन सर के बारे में सुना था उनकी पूरी टीम के बारे में आपको लगता है कि अच्छा ठीक है लोग कह रहे हैं बट आपको उनके साथ काम करने के बाद आपको पता चलता है कि कितना डिफरेंस है वाई दिस शो इज़ देयर वेयर द शो इज़ राइट नाउ कि जितने प्रोफेशनल उनकी पूरी टीम है ना सिर्फ राजन सर पूरी टीम एक स्पॉट बॉय से लेकर पूरी टीम में जितने भी लोग हैं वो सबके सब एफिशिएंट प्रोफेशनल लोग हैं सेट पर जाने के बाद एक मिनट का टाइम वेस्ट नहीं होता है, किसी भी एक्टर का मुझे याद नहीं है कि मैं अभी तक अपने मेकअप रूम के बेड के ऊपर लेटा भी हूँ मुझे टाइम ही नहीं मिला उतना इतना सिस्टमेटिक काम होता है आई एम वेरी हैप्पी एंड आई एम वेरी आई फील वेरी आई एम दैट आई एम वेरी ब्लेस्ड